आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर 1,00,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे नेमावर के नर्मदा तट, जहां मां नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी, चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। भूत प्रेत आत्माओं से पीड़ित लोगों को देव धामी ओझा ने किया उन्हें प्रेत आत्माओं से मुक्त। श्रद्धालुओं के दबाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा नेमावर से 3 किलोमीटर दूर इंदौर रोड पर स्थित गुरादिया फाटे पर अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया था ताकि बड़े वाहनों का दबाव कम किया जा सके। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे को 24 घंटे के लिए बंद किया गया था। बंद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए नर्मदा तट पर 2 अस्थायी कंट्रोल रूम की स्थापना होगी। साथ ही सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और गोताखोर नाभिक नौकाओं की व्यवस्था की गई, लाइटिंग, बैरिकेड्स, पेयजल की व्यवस्था और श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए धर्मशाला एवं अन्य स्थान चिन्हित किए गए थे। हमारे घर सुख शांति और मनोकामना पूर्ण होती है, तरक्की होती है। इसके अलावा इसको भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं। जैसे हमारे घर कोई विघ्न बाधा है, अला बला अनफन है, उसके निवारण के लिए भी है, या जिसको जो आज के संसार में जिसको देवी देवता आते हैं, ये भूतड़ी अमावस्या पे स्नान किया जाता है। और आज स्नान करके कल से नवरात्रि लग जाएंगे, ये सब देवी देवता जिनको आत्माएँ आती हैं वो घूमने लगेंगे और इससे हमारे भक्तों का उद्धार होता है। अगली से जो समूह आया है ये स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्य करता है। इन्होंने यहाँ नेमावर नर्मदा तट पर आकर आग्रह किया। हमारे नगर परिषद द्वारा तो निरंतर कार्य जारी था, इनने सहयोग की अपेक्षा की और इन लोगों ने जगह जगह घूमकर नारियल, नट्टी, कपड़े, चप्पल इत्यादि जो भी ऐसी अपशिष्ट सामग्री थी उनको सबको बीन बीन कर एकत्रित करके कंटेनर में इकट्ठी करके और नगर पालिका की गाड़ी में भेज कर इन्होंने इस स्वच्छता का संदेश यहाँ आकर दिया। हमारे यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था, जल व्यवस्था और सभी कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं और SDM साहब, SP साहब सब लोग बार बार मायना कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है और निर्देश मिलने पर जो भी व्यवस्था की कमी लगती है तो उसकी पूर्ति की जाती है और बड़ी शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। नर्मदा जी में इस प्रशासन की मापन व्यवस्था है, करीब 350 का बल लगा है यहाँ पे। ये तीनों अमावस्या एक साथ है, शनि ग्रह अमावस्या, भद्रवाह अमावस्या और पितृसौ का अमावस्या है, तो इसमें काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए। सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, पुलिस बल लगा है ताकि किसी प्रकार की प्रदर्शन ना हो सके। पर्याप्त व्यवस्था पुलिस के साथ सभी लोग स्नान करके वापस लौटते हैं। नेमावर से सुनील जैन की रिपोर्ट।